वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए नाश्ते का प्लेटर लाई हूँ। इसके लिए मैंने पालक की कचौड़ी साथ में फ्राइड गोभी और आलू तथा मटर लेकर के आई हूँ। जितना हेल्दी है उतना ही बहुत ही टेस्टी भी है। कचौड़ी के लिए सबसे पहले मैंने पार्बॉइल पालक लिया है, साथ में 4-5 लहसुन के दाने लिए हैं, थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, 1 चम्मच मैंने मलाई का लिया है और 2 मैंने ग्रीन चिली लिए हैं। अब सभी को मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड कर लेने के बाद मैंने इसे सादे आटे में जितना भी मैंने ग्राइंड किया था सबों को डाल दिया है। अब मैं केवल इसमें नमक और थोड़ा सा ऑयल मिलाऊंगी और इसे अच्छी तरह से गूंथ लूंगी, क्योंकि इसमें हमने ढेर सारा फ्लेवर पहले ही डाल दिया है। हमने इसमें लहसुन डाला है, ग्रीन चिली डाली है, ड्राई फ्रूट डाले हैं और साथ में थोड़ा बटर भी डाला है, इसलिए हम इसमें बहुत ही थोड़ा सा ऑयल बस 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। और मैंने इसे दूध के बर्तन में ही गूंधा है। मैंने गोभी को अच्छी तरह से धो लिया था और उसे टुकड़ों में काट के उसे लंबा लंबा पतला चिप्स एक के शेप में काट लिया है। अब मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म किया है और उसमें मैंने गोभी को डाल दिया है। गोभी को हमें इतनी देर तक पकाना है, एकदम मीडियम हीट रखना है, हीट को ज़्यादा बहुत नहीं करना है, तेज़ फ्लेम को मीडियम ही रखना है और इसे जब तक ये एकदम कुरकुरे और फ्राइड नहीं हो जाए तब तक हमें चलाते रहना है। थोड़ी देर बाद मैं इसमें सॉल्ट डाल दूँगी, जब ये लगभग हाफ डन हो जाएंगे तब। शुरुआत में सॉल्ट मत डालिएगा नहीं तो ये करारे नहीं होंगे। जब ये हाफ डन हो गए तो मैंने इसमें सॉल्ट मिला दिया था। सॉल्ट शुरुआत में ही मिला दीजिएगा, बाद में इसे सर्व करते समय इसमें ब्लैक पेपर और रेड चिली आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। देखिए हमारे गोभी बिल्कुल के चिप्स बिल्कुल करारे हो गए थे तो मैंने इसे निकाल लिया है। इसे एक टिश्यू पेपर पर निकालिए जिसमें कि सारा एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। और अब इसी तरह से मैंने आलू के चिप्स को भी डाला है, इसमें मैं भी थोड़ा सा नमक डालूंगी। और इसी तरह से हमें इसे भी मीडियम हीट पर रख के तलना है। इसमें मैंने कोई भी कॉर्नफ्लावर वगैरह नहीं डाला, बस इसे मैंने मीडियम हीट पर रखा है और इस तरह से ही धीरे धीरे ये बिल्कुल करारे हो जाएंगे, बिल्कुल बाजार जैसे। लेकिन हमें उतने भी करारे नहीं करने क्योंकि हमें इसे कचौड़ी के साथ सर्व करना है, इसलिए हमें इसे मीडियम रखना है। साथ में ही मैंने मटर छुड़ाए हुए रख लिए थे जिसे मैंने हल्का बॉईल कर लिया था। जब हमारे ये चिप्स अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे आलू के तो फिर मैं इसमें बॉईल मटर डाल दूंगी। फ्राइड मटर आप ऐसे भी सुबह सुबह नाश्ते में खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं चाय के साथ या शाम में चाय के साथ। अब जब हमारे आलू पक जाएंगे तो मैं इसे भी निकाल लूँगी। ये आलू बिल्कुल फ्राई हो गए थे और क्रिस्प हो गए थे, मैंने उन्हें भी निकाल लिया है। और अब मैंने बॉयल मटर को डाल के उसे भी हल्का सा नमक डाल के फ्राई कर लिया है। मैंने इसमें नमक के साथ थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है, साथ में ही मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च को भी फ्राई कर लिया था और उसमें भी मैंने चाट मसाला और नींबू निचोड़ दिया था। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस प्लेटर में डाल सकते हैं अन्यथा नहीं भी, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं ग्रीन चिली। और अब मैं कचौड़ी तलूंगी। मैंने जो आटा गूंद के रखा था उससे मैंने लोई छोटी छोटी लोई बना ली और मैंने छोटी छोटी पूड़ी बेल ली है, बहुत ही सॉफ्ट। देखिए हमारे पूड़ी के आटे बहुत ही सॉफ्ट हुए थे, बहुत ही टेस्टी भी बने थे, बिल्कुल एकदम एरोमेटिक और बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। इसमें बहुत सारी चीज़ों का फ्लेवर आ रहा था, लहसुन का, ग्रीन चिली का, पालक की, सारी चीज़ों की फ्लेवर, और साथ में टेस्ट देखने में भी अच्छे लग रहे थे और खाने में भी बहुत टेस्टी बने थे। इसे मैंने बेल लेने के बाद एकदम हाई हीट पर फ्राई किया जिसमें कि हमारी सारी कचौड़ियाँ बिल्कुल तल जाएँ, फूल जाएँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये नाश्ते की प्लेटर कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। सर्दियों में इस तरह से वेजिटेबल के साथ बच्चों को दीजिए, बहुत ही शौक़ से और पसंद से खाएंगे और सबों को पसंद भी बहुत ही आएगी। वेजिटेबल्स और ग्रीन चिली के साथ अपने कचौड़ी को सर्व कर। दोस्तों अगर ये हेल्दी टेस्टी नाश्ता आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जाड़े के सुबह के लिए ये परफेक्ट है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।